दोस्तों आज हम आरती वैन में पावर स्टेरिंग लगाने वाले हैं। काफ़ी धमाल मचाने वाली है ये वीडियो, और शायद आपने यूट्यूब पे पहली बार ये वीडियो देखी होगी। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मारुति ओमनी वैन कार्गो है, लोडिंग गाड़ी है। काफ़ी स्टेरिंग इसका टाइट है, बहुत दिक्कत करता है इसका स्टेरिंग करने में, और जब ये लोड में चलती है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ कि इसका सस्पेंशन बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी कुछ टाइम पहले ही इसका सस्पेंशन किया हुआ है, सभी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन स्टीयरिंग काफ़ी टाइट रहता है इसका। तो आज हम इसको कैसे पावर स्टीयरिंग करने वाले हैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसके लिए हमने इसका सस्पेंशन खोलना है, तो इसका सस्पेंशन हम खोलते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार पूरा सस्पेंशन इसका नीचे डाउन करते हैं, फिर दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मारुति वैन है हमारे पास। आज हमने इसका सस्पेंशन खोल रखा है, आज हम इसको पावर स्टीयरिंग बनाने वाले हैं बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक या हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगाए हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम पावर स्टीयरिंग बना सकते हैं, कैसे हम अपनी मारुति वैन की हार्ड स्टीयरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत सस्ते में। तो इस वीडियो में बने रहिए, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सेंटर पिन बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है, जो कि ये भी इसमें नया डला हुआ है। इसको एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बिना पावर स्टीयरिंग लगाए हम इसको पावर स्टीयरिंग बनाने वाले हैं। इसमें सारा सामान नया डला हुआ है, लेकिन सेंटर पिन इसकी दिक्कत कर रही है, फिर भी नहीं डालने के बावजूद भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल टाइट है। तो दोस्तों इसका हमने इसका क्या बेहतरीन जुगाड़ है, पावर स्टीयरिंग आपने कैसे बनाना है बिना कोई पावर स्टीयरिंग लगाए हुए। तो देखिए हमने बना के रखा हुआ है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमने ये वाशर डाली हुई है, ये हमने निकाला। इसमें क्या कर रखा है, हमने बैरिंग लगा रखा है, एक बैरिंग ऊपर लगा रखा है, और इसके बीच में एक स्पेसर डाल रखा है, शायद दिख रहा हो आपको, एक बैरिंग नीचे लगा रखा है, और यह हमने कुछ खराद पे बराबर कर रखा है, और इसको हमने लगा देना है फिर दोबारा। तो होगा क्या, जब ये फ्री चलेगा तो स्टीयरिंग हमारा जाम बिल्कुल नहीं होगा। ये काम आप खराब मशीन पे जाके करवा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री है टाइट करने के बावजूद भी। और इसकी तुलना अगर आप इससे करते हैं तो आप देखिए कितना टाइट है, जो कि इसका सस्पेंशन ज़्यादा टाइम पहले नहीं किया है, बहुत कम टाइम हुआ है, और ये बुज भी इसमें नया डला हुआ है, लेकिन ये जाम पड़ा है पूरा। तो एक बार हम इसको फिटिंग करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, फिर मिलते हैं आपको वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जाम पड़ा है, ये हिला के भी नहीं हिल रहा, इतना जाम पड़ा है, और काफ़ी जल्दी ये बुज तो देखो नया है लेकिन ये जाम हो चुका है। और यही इसके मुकाबले पे आप ये बैरिंग वाले को देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है, और काफ़ी अच्छा इसका स्टीयरिंग होने वाला है, सॉफ्ट हो जाएगा काफ़ी, और सस्ते में आप ये जुगाड़ करवा सकते हैं, चलता भी है। तो इसको पूरा बदलते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें बता दूं आपको कि इसमें 6203 के दो बैरिंग लगे हुए हैं, ये ऊपर भी इसको बोर कर रखा है थोड़ा सा चौड़ा, और नीचे भी बीच में एक स्पेसर डाला हुआ है, और बाकी सब कुछ वही है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है,
बहुत कम खर्चे में बन जाएगा आपका। और इसमें बूस्ट पड़ता है, लेकिन ये जाम जुम और ये स्टीयरिंग हिलने की समस्या आती है, तो अलाइनमेंट भी काफ़ी गड़बड़ करता है इसे। तो इसको फिट करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें स्टीयरिंग को पावर बना ही दिया है लगभग, तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन इसकी कटिंग हो चुकी है, आप एक उंगली से इसको घुमा सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपने भी ये करवाना है तो आप करवा सकते हैं, काफ़ी ये सस्ता है और काफ़ी अच्छा भी है। इससे हमारा स्टीयरिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने इसका कोई स्टीयरिंग चेंज नहीं कर रखा है, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाला है, ना ही इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग डाला है। इसमें हमने सिर्फ इसका जो सेंटर पिन का बुश होता है उसमें, वो बुश को हटा के उसमें बैरिंग डाल रखे हैं। काफ़ी स्मूथ ये स्टीयरिंग हो गया, ये समझिए कि पावर स्टीयरिंग हो गया। इसीलिए हमने इसमें थंबनेल में भी पावर स्टीयरिंग का एड लगा रखा है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी दोस्तों ये समस्या है, तो आप भी इसको काफ़ी सस्ते में अपने स्टीयरिंग को सॉफ्ट कर सकते हैं इसी विधि से। तो दोस्तों, कैसी आपको ये वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इसमें मारुति वैन में पावर स्टीयरिंग लगाना है तो उसका भी हमारे पास हल है, हम उसमें पावर स्टीयरिंग लगा सकते हैं। तो अगर आपको लगाना है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप फ़ोन कॉल ज़रूर कर सकते हैं। तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।